रब जो है कवि सम्मेलन होगा ये कवि सम्मेलन अद्भुत होगा द्वितीय होगा ऐसा मेरा दावा है क्योंकि जब सभी एक ही कद के लोग एक ही जगह पर एक ही मंच पर होंगे तो क्या अद्भुत नजारा होगा और क्या ही कमाल की पेशकश होगी वाकई आज का ये दिन जो है ना गाजियाबाद के इतिहास में दर्ज होगा आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है और यह रात तक कहाँ तक पहुँचेगी कुछ नहीं मालूम इसलिए सब कुछ भूल भाल करके सब यहीं के हो जाइए और एक और दरख्वास्त आप सभी से जब कविताएं पढ़ी जा रही हों तो उन्हें सुनिए उन्हें गुनिए मोबाइल में वीडियो बना, बना बना कर आप बिना वजह तंग होते हैं मोबाइल में तो आप वैसे ही देखते रहते हैं सारी शख्सियतें हमें मिलती हैं यूट्यूब पर लेकिन आज आप उस आनंद को महसूस कीजिएगा जहां आपको लगे भरपूर दाद दीजिएगा और जुड़े रहिएगा लगातार पूरा पूरा आनंद लेना है आज की इस शाम का क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में रोज रोज नहीं आते ये ईश्वर की कृपा होती है यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी की किताब के सुनहरे पृष्ठ हैं इन्हें सहेज कर रखिएगा और आप लोग मेरी बात मानते तो है नहीं मैं कह रही हूं कि आप एक बार बैठ जाइए सभी लोग देखिए उन्हें परेशानी होगी ऐसे इस तरह से हम उन्हें घेर करके खड़े हैं अच्छा जी तो ये बात भी है सर ने भी सही कहा कि जब फैन आसपास होते हैं तो अच्छा भी लगता है बिल्कुल सही बात है और उनकी उपस्थिति ने वाकई चार चांद लगा दिए हैं आज एक से एक दिग्गज व्यक्ति तो हमारे बीच में हैं और अब जो है हम और हमारे बीच में जो है हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय अतुल जी का जोरदार तालियों से राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग कमाल की शख्सियत और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से घिरे होने के बावजूद वो बहुत ही संवेदनशील हृदय के स्वामी हैं तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजनों के लिए समय निकालते हैं यह निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बड़ी बात है उनका मिलना और साथ ही महापौर आशा शर्मा जी भी हमारे बीच आ गई हैं बहुत ही प्यारी हैं बहुत ही मृदल स्वभाव की धनी हैं और इनसे मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम आपसे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और अब जो है मैं मंच पर एक एक कर अपने सभी कवि वृंद जो हैं उन सभी को आमंत्रण दूंगी मंच पर बुलाना चाहूंगी सभी को पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी को प्रवीण शुक्ल जी जो हैं वो अद्भुत मंच संचालक तो है ही लेखन उनका इतना कमाल का है कि चोट खा खाकर वो पत्थर हो गया और भी पहले से बेहतर हो गया जिंदगी का जहर यूं उसने पिया वक्त की नजरों में शंकर हो गया तो ऐसी अद्भुत शख्सियत के स्वामी आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी को मैंने आमंत्रण दिया वो हमारे इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आदरणीय राज कौशिक सर मंच पर पहले से पहले से ही हैं और आदरणीय राज कौशिक सर जी की यह खासियत है कि वो तमाम व्यस्तताओं में खुद भी लग जाते हैं बहुत सहयोग करते हैं उनकी विनम्रता और सहजता का यह दुर्लभ उदाहरण है मुझे कुछ देर देखो कमाल का शेर है देखिएगा राज कौशिक जी का मुझे कुछ देर देखो अब बताओ मेरा दिल क्या दुखाना चाहिए था क्या कमाल की कहन है मुझे कुछ देर देखो अब बताओ मेरा दिल क्या दुखाना चाहिए था आदरणीय राज कौशिक जी प्लीज आप मंच पर आ जाए और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत एक ही व्यक्ति में होना दुर्लभ होता है मुमताज नसीम जी को मैं जब भी देखती हूँ ना तो मैं कमाल शख्सियत हैं मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत ज़िंदगी में सदा मुस्कुराकर जिए सर झुका कर बहुत जी लिया आज तक औरतों से कहो सर उठाकर जिएं जोरदार तालियों से स्वागत मुमताज़ नसीम जी का और अब मैं आमंत्रण देना चाहूँगी आदरणीय विजेंद्र परवाज साहेब को अदब की दुनिया का एक बड़ा नाम उनको मैं आवाज़ देती हूं कि बैठ कर तुझसे ज़रा देर जो बातें कर लूँ बैठ कर तुझसे जरा देर जो बातें कर लूं मेरा छप्पर ही मुझे ताज महल हो जाए वाकई हमारा हमारा आपके सानिध्य पाकर ये ताज महल हो गया है आज का मंच वाकई और अब मैं बुला रही हूं गाजियाबाद की आन बान और शान महाकवि अद्भुत गीतकार कमाल के गजरकार और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि इन तमाम उपाधियों के बाद भी इतना सहज हो पाना इतना सरल हो पाना मेरा मानना है कि सहज बने रहना ऊंचाइयों पर पहुँच बहुत कठिन होता है लेकिन इस कठिनाई को बड़ी सहजता से निभा जाते हैं आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन कमाल की शख्सियत हैं अद्भुत व्यक्तित्व हैं देना हुआ है जब भी कोई प्यारा उदाहरण हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण आदरणीय कुंवर बेचैन जी की पंक्तियाँ उन्हीं को समर्पित कर रही हूँ या साथ ही कि हो के मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये गाजियाबाद वालों को हुआ क्या है होश में आइए तालियां बजाइए भाई हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है हमारा हरियाणा में तो जब हम भरपूर स्वागत करवाते हैं तो कहते हैं भैया एक बार किलकी मारियो जोर की तो मार सको तुम किलकी जोरदार स्वागत सभी का जोरदार थालियाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है लेकिन लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दाद कहाँ देनी है और कहाँ नहीं देनी है जी हाँ और अब जो है मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहुत मन से बहुत आदर से और बिल्कुल गदगद हूँ मतलब कई बार हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ हम निशब्दता महसूस करते हैं बिल्कुल वही पल हैं और मैं भावुक भी हूँ आदरणीय संतोष आनंद जी को मैं चाहूँगी कि पूरा गाजियाबाद जोरदार तालियों से उन्हें मंच तक लेकर के आए कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व कमाल की शख्सियत लाजवाब व्यक्तित्व एक ऐसे वट वृक्ष हैं वो जिनकी छाया में न जाने कितने ही लोगों ने थकान को उतारा है जिनके आशीर्वाद से न जाने कितने बच्चों ने नया कुछ सीखा है जिन्होंने न जाने कितने ही बच्चों को एक हाथों में कलम थमाई है ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व तो कमाल की शख्सियत आज हमारे बीच में है ये हमारा सौभाग्य है और ये जो बच्चियां खड़ी हैं अब आप श्रोता की भूमिका में आ जाइए बिल्कुल बैठ जाइए बिल्कुल आवाज नहीं करनी और बच्चे बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं एक बार बच्चे तालियां बजा के दिखाएं मैं चाहती हूं कि सभागार में तालियां कुछ यूं हो हाथ उठा करके एक बार सभी तालियां ऐसे क्या बात है क्या दृश्य है अद्भुत दृश्य अद्भुत कमाल का दृश्य है और आज के इस आयोजन में जो है कवि सम्मेलन अभी बस थोड़ी ही देर में हम